वेलकम टू द चैनल रिव्यूज एक्सपी। रिव्यू शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी ट्रैक्टर की कोई भी जानकारी चाहते हैं या किसी और ट्रैक्टर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और किसी भी ट्रैक्टर के प्राइस, फीचर्स या पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महिंद्रा यूवो 275 DI जो कि 35 HP ट्रैक्टर है और 3 सिलेंडर इंजन के साथ है। तो हम पहले सबसे आगे बात करते हैं फ्रंट एक्सल की, जो कि एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है 3 पीस के साथ, जहां पर आप अपने ट्रैक्टर को फसल के साथ इसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर प्री क्लीनर लगा हुआ है इस ट्रैक्टर के साथ। इसका जो फ्रंट लाइट्स है रैप हेडलाइट के साथ है, जो कि टर्निंग के समय आपको आसानी से दिखाई देगा। पुश पुल बटन इसके साथ दिया हुआ है, जिससे आप इसको आसानी के साथ शॉकर सिस्टम के द्वारा ये ऊपर जाता है। इसका जब एयर क्लीनर आप देखोगे तो 7 इंची एयर क्लीनर है, जिससे कि इंजन के लिए शुद्ध हवा मिलेगी। और इसका ये फ्रंट रेडिएटर दिया हुआ है, आगे जाली दी हुई है नेट वाली, जिससे कि आपका जो भी कचरा है वो इस जाली के साथ रुका रहे। उसके साथ साथ हम इसका जो इंजन देख रहे हैं आप, महिंद्रा सिग्नेचर इंजन है, जो कि बहुत ही पावरफुल और फ्यूल इफिशियंट इंजन है 3 सिलेंडर के साथ। अपनी श्रेणी में हायर टॉर्क, साथ के साथ इसका जो सर्विस अंतराल है वो 400 घंटे का सर्विस अंतराल है, जिसमें सभी किसान भाइयों को अपने सीजन के टाइम के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर सीजन वो इसकी ट्रैक्टर की सर्विस करा सकते हैं, तो जिससे कि तेल की और उनके समय की बचत होगी। इंजन के अंदर जो 400 घंटे का सर्विस का अंतराल है, उसका एक ये भी है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर लगाया गया है, जिससे कि आपके ऑयल के लिए फिल्ट्रेशन का काम करता है ऑयल फिल्टर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सिंगल क्लच के साथ ट्रैक्टर है 275 DI। इसके PTO RPM 540 मिलेंगे, इसके रेटेड RPM 2100 हैं। साथ के साथ ये चौड़ा प्लेटफॉर्म है और साइड शिफ्ट गियर के साथ है। इस ट्रैक्टर के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि 35 HP में हमने इसमें 15 गियर दिए हैं, जिसमें 12 गियर आपको आगे के मिलेंगे, 3 गियर पीछे। इसमें ये 15 गियर देने का ये मतलब है कि जहाँ पर हमारे ऑपरेटर चला रहे हैं खेती में, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर की स्पीड कम है लेकिन ट्रैक्टर दब नहीं रहा, तो उस केस में इसमें आप अपने ट्रैक्टर में एक आगे का गियर डाल के आप आराम से ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ मैं, हम जब भी कभी मार्केट से हम शर्ट लेते हैं तो हमारे पास 2 साइज होते हैं, 38 या 40, लेकिन सभी का 38 और 40 फिटिंग नहीं आ सकती, उसके लिए एक 39 भी होना ज़रूरी है। उसी के साथ इसके अंदर हाई, लो और मीडियम 3 गियर की स्पीड मिलेंगी सभी गियरों में। इसके अंदर 4 गियर आगे के हैं तो 4 या 12 स्पीड आगे की मिलेंगी, और 1 गियर पीछे का है तो 3 स्पीड हाई, लो, मीडियम 3 स्पीड आप इसके पीछे की मिलेंगी। इसका गियर जो है कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स है, जो कि बहुत ही स्मूथली गियर शिफ्टिंग होती है, साइड शिफ्ट के साथ दिया हुआ है, जहां पर आपका जो ऑपरेटर है बैठा हुआ है वो आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है। साथ के साथ ये देख रहे हो आप, चौड़ा प्लेटफॉर्म है, चौड़ा प्लेटफॉर्म होने की वजह से जो भी ऑपरेटर इसको चला रहा है वो ज़्यादा समय तक काम कर सकता है और आरामदायक बैठा रहेगा। आप सीट देख रहे हो, 5 पोजीशन इसकी एडजस्टमेंट सीट है। सीट को अपने वेट के हिसाब से और अपनी हाइट के हिसाब से ऑपरेटर एडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ ये ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ भी उपलब्ध है, जहां पर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। उसके साथ साथ अगर हम इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की बात करें, जो कि खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी
ट्रैक्टर के अंदर देखी जाए कि हाइड्रोलिक का बहुत अच्छा, तो हाइड्रोलिक देखोगे आपका रबड़ प्रूफ, एकदम बहुत ही कम इसमें रबड़ के पार्ट यूज किए गए, जिससे कि इसमें जर्किंग, लोअर लिफ्टिंग ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1500 केजी की है, जो कि अपनी श्रेणी में बहुत ही पावरफुल है। भारी से भारी उपकरण, जो आधुनिक उपकरण जो आ रहे हैं उनको चलाने के लिए आरामदायक है। पीटीओ आप देख रहे हो पीछे, पीटीओ 540 पीटीओ आरपीएम मिलेंगे रेटेड आरपीएम पे चलाने पर। साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिक लीवर है, जहां पर ड्राफ्ट लीवर और अपना पोजीशन लीवर दिए हुए हैं, और स्टाइलिश इसके दोनों साइड में फेंडर हैं, जहां पर हैंडल लगा हुआ है, जहां पर जो भी बैठा हुआ है उसको आरामदायक मिलेगा और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो जैसे, और साथ के साथ हम देखें इसका डिफरेंशियल पीछे वाला प्लानेटरी गियर सिस्टम है, जहां पर कोई भी लोडिंग में ट्रैक्टर अगर चल रहा है तो वहां पर आपको गियर या फिर किसी भी तरह की शिकायत आने की संभावना कम से कम रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें टायर 13/6/28 के साथ टायर हैं इसके, जो कि 35 HP के ट्रैक्टर के हमारे के अंदर मिल रहा है आपको। और साथ के साथ इसका जब आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो यहाँ पर आपको RPM मीटर, अपना किलोमीटर का जो मीटर है, और फ्यूल का मीटर और टेम्परेचर का मीटर सामने रहता है यहाँ पर। और ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सभी रिव्यूज XP के दर्शकों का महिंद्रा युवो 275 में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद।